बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके बेहद ही खास माने जाने वाले आईएएस अधिकारी, जो अपनी साधारण और सादगी भरी जिंदगी जीने के तरीके से जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे आईएएस अधिकारी की, जो कभी शहर में रिक्शे में घूमते हुए नजर आते हैं तो कभी चौराहे पे गोलगप्पे खाते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ये अधिकारी जमीन पर बैठकर एक सब्जी वाले से खरीदारी भी करते हुए नजर आए। उनका नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। अब ये आईएएस अधिकारी अपने बचपन का शौक भी पूरा करने के लाइन में लगे हुए हैं। बता दें आपको कि एस सिद्धार्थ फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और अब इन्हें ट्रेनिंग लाइसेंस भी मिल गया है। इसके साथ ही ये बिहार झारखंड के इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें फ्लाइंग लाइसेंस मिला हुआ है। दरअसल बिहार सरकार में वित्त विभाग और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाते हुए आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। अब इनकी ये ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जिसके बाद अब इस आईएएस अधिकारी ने कहा है कि मेरा बचपन का ये सपना रहा है कि मैं पायलट बनूं। बचपन में खिलौने वाले एरोप्लेन को लेकर उसे बड़े आशा के साथ देखता था कि वो उड़ेगा। इसी दौरान मुझे पायलट बनने का शौक आया था और आज मुझे लाइसेंस मिलने के बाद लगा कि मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, एस सिद्धार्थ आंतरिक नियंत्रण वाला मल्टीपर्पज रोबोट बनाने में भी लगे हुए हैं। वे बताते हैं कि रोबोट प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है और जहां जैसी जरूरत रहती है उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मालूम हो कि आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने वाले एस सिद्धार्थ ने सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की डिग्री भी ली है। इतना ही नहीं, पत्नी डॉक्टर एन विद्यालक्ष्मी भी एक आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रही थी। आपको बताते चले कि आज हम बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये अपनी पावर से ज्यादा अपनी सिंप्लिसिटी और सादगी को लेकर जाने जाते हैं। आपको हम बता दें कि एस सिद्धार्थ अपनी सिंप्लिसिटी को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं वो जनता की समस्या को सुनकर उसका समाधान निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वहीं असहाय लोगों की मदद करने और उनकी समस्या जानकर उनका जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए एस सिद्धार्थ जाने जाते हैं। वहीं अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले एस सिद्धार्थ अब एरोप्लेन भी उड़ाएंगे। बता दें आपको कि बिहार सरकार में वित्त विभाग और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाते हुए आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। अब इनकी ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जिसके बाद आईएएस अधिकारी ने कहा है कि ये मेरा बचपन का सपना था और अब ये साकार होते हुए नजर आ रहा है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।